नमस्कार। देश और दुनिया इस समय अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड संकट के दौर से गुजर रही है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया है। स्वास्थ्य आपदा और उससे जुड़ी आर्थिक आपदा ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकटग्रस्त कर रखा है। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपसी दूरी को ही बचाव के एकमात्र मंत्र के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। ऐसे में हम सच के साथ अपनी नज़दीकी को पूरी जोर शोर से स्थापित करते हुए खौफ के खिलाफ वैज्ञानिक सोच से लैस होकर खोज खबर का यह कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। इस एपिसोड में हमारा जोर इस बात की ओर है कि इस स्वास्थ्य आपदा हेल्थ इमरजेंसी और उससे जुड़ी इकोनॉमिक इमरजेंसी आर्थिक आपदा से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए और हम बतौर देश बतौर नेशन क्या कर रहे हैं। भारत में जिस समय हम और आप ये बात कर रहे हैं उस समय यह आशंका बलवती हो गई है कि कोरोना वायरस कम्युनिटी स्तर पर फैल गया है, यानी लोगों को सीधे सीधे दूसरे लोगों से संक्रमण हो रहा है। अभी तक या जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से यह संक्रमण सिर्फ जो बाहरी देशों से लोग आ रहे हैं, उन देशों से जहां संक्रमण है उनके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं और जो खुद सीधे सीधे संक्रमित हैं उनके बीच ही यह सारा का सारा वायरस उसका फैलाव था। ऐसे में हमें बड़ी संख्या में मेडिकल सुविधाएँ चाहिए। हमें अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर, सारी की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही पुख्ता चाहिए। और अभी हमारी स्थिति क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 84,000 लोगों यानी 84,000 लोगों पर सिर्फ एक आइसोलेशन बेड उपलब्ध है। 36,000 लोगों पर एक क्वारंटाइन बेड, 11,600 लोगों के लिए एक डॉक्टर और 1,826 लोगों के लिए सिर्फ एक बेड। दोस्तों, यह एक खौफनाक स्थिति है। ऐसे में हमारे लिए जो कोरोना की सुनामी आई हुई है, जिसकी आशंका तमाम डॉक्टर, इस देश के डॉक्टर और विदेश के तमाम जो संस्थाएं हैं तकरीबन वो बता चुकी हैं, उससे कायदे से निपटना तकरीबन असंभव नजर आ रहा है। और यहां मैं आपके साथ ये कहना चाहूंगी कि इस संकट की अनदेखी या जो हमारी तैयारियां हैं उसके बारे में सही ढंग से मूल्यांकन ना करना, अस्पताल की व्यवस्था ना करना, बेड की व्यवस्था ना करना, लोगों को हाथ धोने के लिए साबुन और पानी मुहैया ना कराना 100% इनह्यूमन एक्ट है, अमानवीय कृत्य है। इस बारे में सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, लेकिन दुख है कि इस बारे में देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। जबकि इसी भारत का एक राज्य केरल, इस बारे में किस तरह से काम किया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, लोगों तक सुख सुविधा पहुंचाई जानी चाहिए, जो गरीब और वंचित हैं उन्हें खाना मुहैया कराया जाना चाहिए, बच्चों को घर में ही मिड डे मील डिलीवर होना चाहिए, यह सब कुछ कर रहा है। और ये जो उदाहरण है यह सिर्फ भारत ही के सामने नहीं, पूरे विश्व के सामने एक मिसाल के तौर पर, एक नज़ीर के तौर पर सामने आ रहा है। हमारा सवाल सीधा सीधा ये है कि आखिर जो मॉडल केरल का है उस पर बाकी सरकारें, केंद्र सरकार क्यों नहीं तवज्जो दे रही, क्यों नहीं ध्यान से देखा जा रहा है इस मॉडल को। दोस्तों, इस समय हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं। बहुत से शहर, बहुत से जिले लॉकडाउन हैं। जब हम लॉकडाउन यानी बंद करने की बात करते हैं, यानी शहर के भीतर की आवाजाही, एक शहर से दूसरे शहर के बीच आवाजाही, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की आवाजाही, आने जाने को रोकते हैं, तो एक सवाल जो सबसे बड़ा उभरता है कि सरकारें इसके लिए क्या तैयारी करती हैं। क्या सरकारों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास,
मध्यम वर्ग रहता है? क्या गरीब, दिहाड़ी मजदूर करने वाले, बेघर, सड़कों पर रहने वाले, यानी हमारे शहर को जो बनाने वाले लोग हैं, शहर को जो साफ करने वाले लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कचरा बीनने वाले हैं, रियल सिटी मेकर्स, क्या वे दिमाग में आते ही नहीं हैं? क्या सरकारें ये सोचती ही नहीं कि वे जिंदा कैसे रहेंगे? हम और आप उनके बारे में सोचते ही नहीं? शहर के बंद होने से बड़ी तादाद में, और यह तादाद लाखों लाख में है, इन तमाम लोगों के बारे में ये कैसे जिएंगे? इनको रोजी रोटी जब इनकी बंद हो जाएगी, इन्हें खाना कैसे मिलेगा? आखिर इसके बारे में प्रधानमंत्री से लेकर जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, वे क्यों नहीं सोचते? इसकी तैयारी के लिए पहले से क्यों नहीं तैयार होते? कल यानी 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो घोषित किया था पब्लिक कर्फ्यू, उस समय हमने शाम को देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर जीवन गुजारने वाले मेहनत कश लोगों से बात की। आइए आप भी देखिए, देखिए कि वे कैसे मजबूर हैं दो रोटी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जीनत की, जो कचड़ा बीनकर अपने और अपने तीन बच्चों का पेट भरती हैं, उन्हें जिंदा रखती हैं, और उनके पति भी यही काम करते हैं। क्या खिलाया बच्चों को आज आपने? अभी तो कुछ भी नहीं खिलाया, मैं दूध पिलाया, दूध पीता है बच्चे ने। और आपने कैसे काम किया? क्या खाना कुछ पहले से था रखा? कल के बारे में क्या सोचा है? अब क्या सोचा, जब माल बिनता तो माले दुकानें बंद हो गया, अब राशन पानी की दुकान नहीं खुला है। अभी सरकार से आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ इंतजाम करे सरकार? सरकार ने तो ऐसे बंद कर दिया है कि गरीब इंसान का मार रहा भूखा ना, पर सरकार ही तो ऐसे कर दिया ना, पर ना पानी की दिक्कत, खाना की दिक्कत, सब महंगाई कर दिया। और इसी तरह से देखिए विकास जैन को, जो रैन बसेरा में रहते हैं, उनकी पत्नी उर्वशी और तीन प्यारे बच्चे। ये तमाम लोग हमें रिक्शे पर सवार मिले। सुबह से यह घूम रहे थे खाने के इंतजाम में, अभी तक गुरुद्वारे से इनको खाना मिल जाता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इनका सवाल है कि जब उन्होंने घोषणा की कि रैन बसेरे में खाना मिलेगा, तो क्यों नहीं इसके लिए इंतजाम किया कि अगर गुरुद्वारे में बंद है लंगर, तो ये लोग कहां से खाएंगे? तीनों बच्चे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए बताते हैं कि वे घंटों से साइकिल रिक्शे पे बैठकर खाने के इंतजाम में घूम रहे हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे के बराबर में रैन बसेरा है ना, वहाँ हम रह रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए हमको रहते हुए वहाँ, लेकिन वहाँ पे ना कोई सहूलियत, ना कोई खाना पीना। आज तक उन्होंने कोई हमें सहूलियत नहीं दी वहाँ पे खाने पीने की। और उन लोगों को ये पता था कि बंद है, पूरे दिन से हमारे बच्चे भूखे हैं। रैन बसेरा वैसे तो हम गुरुद्वारे में खा लेते थे, हम भी पूरे दिन से भूखे घूम रहे हैं। वहाँ का कैटेगरों का रवैया वहाँ का बहुत ख़राब है। अरविंद केजरीवाल जी अगर मेरे ये वहाँ तक अगर देख रहे हो, तो मेरे उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस रैन बसेरे पर ध्यान दो, बंगला साहिब के गुरुद्वारे के जो बराबर में रैन बसेरा बना हुआ है। खाने पीने का तो आज प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बंगला साहब में हमारा खाना पीना है, और आज बंगला साहब को भी बंद कर दिया गया, पूरा लॉक कर दिया। हाँ, बंद कर दिया है। वहाँ भी बहुत आदमी बैठा है, यही कि अब कैसे ही जाने दें तो कैसे ही हम लोग खाएं। हम लोग भी वहाँ की तरफ ही गए। हेलो, क्या नाम है? अमृत। अमृत, अमृत, मारुति। मारुति, मारुति, मधु, 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 मधु कदु। क्या नाम है? मधु कदु। मधु कदु है। तो अभी कहाँ घूम रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं हम? रिक्शे में कहाँ घूम रहे हैं? खाना खाने का होटल ढूंढ रहे हैं। खाना खाने के लिए निकले हैं, खाना नहीं मिला आज। इसी तरह से दिल्ली के ओम प्रकाश, जो तकरीबन है 70 साल के, और 10-15 साल से खुद मैं उन्हें देख रही हूं, वे कनॉट प्लेस में एक सड़क पर बैठे रहते हैं। वे विकलांग हैं, लंबे समय से वहां काम करते रहे, और देखिए किस तरह से वे बताते हैं कि जब शहर ये चलता है तो उन्हें कुछ खाने को मिल जाता है, और सुबह से उन्हें कुछ नहीं मिला।
यहाँ अकेले बैठे हुए हैं आप? क्या बोलते, मेरा तो और कोई है नहीं जगह, मैं अकेला ही रहता हूँ। अकेले ही रहते हैं इतने साल? ये तो काफी साल से आप देखते हैं। तो फिर अभी इतना चल रहा है तो कैसे काम चल रहा है आपका, कोई मदद कर रहा है आपको? अभी कहाँ से पैर करे भाई, सब तो दुकानें बंद है, आना जाना सबका बंद है, कहाँ से होगा। खाना पीना कैसे चल रहा है आपका? आज तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं खाया। इसी तरह से ये नौजवान महिला जो सीधे सीधे कहती है कि अगर 15 दिन की छुट्टी हो जाए तो हम तो भूखे मर जाएंगे, ये बताना चाहती हैं कि राशन कार्ड इनके पास नहीं है और आधार कार्ड इनका खो गया है। ये सब लोग होमलेस हैं, सड़क पर रहते हैं। बीमारी के बारे में कुछ सुना है आपने, कोई बीमारी चली है? हाँ सुने तो। क्या सुना बीमारी के बारे में? कह रहे मुँह बंद करके काम पे जाना पड़ेगा, ये वो, नहीं तो 15 दिन का छुट्टी ले लो। तो हम सोचते हैं कि 15 दिन की छुट्टी ले लेंगे तो भूखे मर जाएंगे। छुट्टी लेना मुश्किल है। सरकार कुछ राशन कार्ड है आप लोगों के पास? राशन कार्ड तो नहीं, नहीं। राशन कार्ड नहीं है? नहीं। आधार कार्ड है? आधार कार्ड थे, आधार कार्ड फोड़ खो गए हमारे। आधार कार्ड खो गया आपका भी, और राशन कार्ड आप दोनों का नहीं है, तो राशन भी फ्री मिलेगा नहीं आपको। रिक्शे वाले, हमारे पास रिक्शे वालों की इतनी ढेरों टेस्टमनीज हैं, होमलेस की इतनी टेस्टमनीज हैं, जो लोग खुद बता रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, तमाम जगहों जहाँ जहाँ लॉकडाउन हुआ है, कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वे सड़कों पर रहते हैं। आप सुनिए हनीफ क्या कहते हैं, संजय साहनी क्या कहते हैं, राम प्रसाद क्या कहते हैं। इनका सीधा सवाल है कि काम नहीं होगा तो खाएंगे क्या, काम बंद किया तो खाने का कुछ तो इंतजाम किया जाना चाहिए था। संजय साहनी की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि सुबह से वे खाली पेट हैं, वे डायबिटीज के पेशेंट हैं, और वह कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से उनको आधा किलो या 1 किलो चूड़ा मिला जिसे वे बिस्किट के साथ खाने जा रहे हैं। क्या ये सब भारतीय नागरिक नहीं है? क्या ये सब इनको भूख के साथ साथ कोरोना वायरस से बचाने के बारे में हमारी और आपकी सरकारों को सोचना नहीं चाहिए था? क्यों नहीं सरकारों ने ये लॉकडाउन से पहले सोचा कि जो तमाम लोग हैं जिनकी तादाद लाखों में है, पूरे देश का आंकड़ा उठाएंगे तो करोड़ों में है, इन्हें खाने का इंतजाम कौन करेगा, कौन इन्हें पहुंचाएगा 2 जून का खाना? और इसके साथ साथ जो कोरोना वायरस है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मध्यम वर्ग या पार्लियामेंट में घुस जाएगा और विधानसभा में घुस जाएगा और इन लोगों तक नहीं पहुंचेगा। अभी क्या मुश्किल सबसे ज्यादा आपको लग रही है? खाने की होगा मुश्किल, खाने की। खाना कहाँ खाते थे आप? होटल में खाते थे। अपना कुछ बनाने का नहीं इंतजाम? बना लेते लेकिन राशन कहाँ से ले आएंगे, काम ही बंद हो गया था। कुछ आपको पहले से पता नहीं था कि आज बंद होने वाला है? एक दिन का मालूम था कि 22 तारीख को बंद रहेगा, 23 तारीख को मतलब ओपन हो जाएगा, तो अचानक बंद कर दिया। 31 तारीख तक फिर कहाँ जाएंगे हम? उतना इंतजाम नहीं है? नहीं है। आप लोग भी यहीं रहते हैं? एक ही साथ के आदमी हैं सब, रिक्शे वाले। हम लोग भी यहीं रहते हैं। अच्छा। रोटी खाने के लिए हम लोग 70 बवा के रह गए, बिन कहीं नहीं मिला, तो ये दुकान से एक चिवड़ा लिए हैं, इसमें 6-7 आदमी किसी तरह से खा के गुजारा कर सकते हैं। ये देखो बिस्कुट लिया है, अभी लिया है? हाँ अभी लिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संजय साहनी। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ हम भी रिक्शे चलाते हैं। सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला? कुछ नहीं मिले। आप सब एक ही साथ गए? एक ही साथ रहते हैं। मेरे को ये चावल ये सब खाना मना हुआ था, रोटी खाना था, बिनी मैंने दवाई खाते हैं तो ये चावल चिवड़ा के जोरे खाना नहीं था, फिर भी मजबूरी में क्या क्या करें कि चिवड़ा और ये बिस्कुट आप भी लेके जा रहे हैं तो खाएंगे। आपको पहले से पता था कि आज बंद हो रहा है? नहीं, हमको लोग को नहीं पता था। एक दिन का पता था कि 5 को बंद होगी,
बाईस को तो बस मालूम था कि 22 को बंद होंगे, 23 को खुल जाएंगे, इतना पता था। आज का कुछ इंतजाम आप लोग किए थे? आज का तो मतलब खा लिए इधर उधर कहीं से। कल का मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्याम नाम है। आपका? राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? हाजीपुर जरुआ। कब से दिल्ली में है? 2 महीना हो गया। अभी जैसे दिल्ली बंद हो रही है, सब बंद हो रहा है, तो उससे क्या मुश्किल हो रहा है? तो कष्ट हो रहा है, होटल बंद है तो खाना भी बंद है ना, हम लोग तो होटल में खाते थे। हम लोग तो फुट पर है ना, रूम नहीं पर है। यहीं पर जहाँ मन करता जहाँ सो जाते हैं ना, जहाँ मन करता जहाँ सो जाते हैं ना। अच्छा, मुश्किल बहुत हो गई। बहुत मुश्किल, होटले बंद है तो कामों बंद हो गया, तो काम भी बंद है। मेन तो है होटल, पैसे है तो होटल बंद है तो खाना कहाँ से खाएंगे, सारा दुकानें बंद है ना। इनमें से किसी के पास सुरक्षा का कोई उपकरण, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं पहुंचा है। हमने ऐसे तमाम सफाई कर्मचारियों से दिल्ली में बात की जो कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन खुद आपने अपने मोहल्लों में देखा होगा जो कूड़ा बिनने आ रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं, वहां कहीं भी कोई तरह का इंतजाम नहीं है। ये तमाम लोग हमारे और आपके द्वारा फेंके गए मास्क उठा रहे हैं, नंगे हाथों से वो मास्क उठा रहे हैं, सड़क को साफ कर रहे हैं। आखिर ये क्या भारतीय नागरिक नहीं है जिनके बारे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को चिंता करनी चाहिए कि इन्हें कैसे कोरोना वायरस से बचाया जाए? ये सवाल हमें और आपको बतौर भारतीय नागरिक क्या उठाना जरूरी नहीं है? पूरी दुनिया में शायद हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही विरले, बहुत ही निराले हैं। बिना एक पैसे का रिलीफ पैकेज की घोषणा किए बगैर उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने की पूरी जद्दोजहद थी, पूरी की पूरी कोशिश थी, उसे एक पीआर एक्सरसाइज में तब्दील कर दिया, पब्लिक रिलेशन गतिविधि में तब्दील कर दिया। और वह भी देखिए कि किस तरह से घंटा, शंख, थाली बजाई जा रही है। हमने देखा कि दिल्ली, गुजरात, पंजाब, पूरे देश में और खास तौर से गुजरात में जिस तरह से लोगों ने जुलूस निकाला, डांडिया डांस किया वहां पर, उससे एक बात तो साफ हो गई कि पूरे दिन भर का जो कर्फ्यू था उसका मकसद, जिस तरह का पीआर एक्सरसाइज में प्रधानमंत्री करना चाहते थे, जनता ने और खास तौर से उनकी भक्त जनता ने उसे बिल्कुल वैसे ही लिया। कहीं से भी किसी के दिमाग में नहीं आया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात है, हिफाजत करने की बात है, उसको कहीं से भी उनको इम्प्लीमेंट करना है। कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था सड़कों पे जब ये जुलूस उतर रहा था। और रोकने वाले क्या बात करिए, आप देखिए पीलीभीत से आया हुआ ये वीडियो जिसमें पीलीभीत के जो डीएम हैं वे खुद सड़क पर उतर कर घंटा बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। उनके बगल में एसपी चल रहे हैं जो कि अपना मास्क उतार कर शंख बजा रहे हैं। सवाल है कि जब यह आपदा, जो महामारी है, इसके बारे में जो जिम्मेदार लोग हैं उनका यह रवैया है, तो नीचे तक कैसे यह संदेश पहुंचेगा कि इससे लड़ने के लिए क्या सावधानी, क्या वैज्ञानिक सोच जरूरी है? हम आपसे सीधे सीधे ये बात करना चाहेंगे कि इसके बारे में जिस तरह का भ्रम सोशल मीडिया पर, टिकटॉक में फैलाया गया, वे बेहद खतरनाक है। हमारे पास इस तरह के वीडियोस पहुंचे हैं, आपके पास भी पहुंचे होंगे, व्हाट्सएप के जरिए, और टिकटॉक ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया अंधविश्वास को फैलाने में, जो मशीनरी काम कर रही है उसके लिए। टिकटॉक पे तमाम वीडियोस चले जिसमें बताया गया कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री एक बब्बर शेर हैं और उन्होंने चीन से कोई स्पेशल स्प्रे मंगाया है जिसका छिड़काव 22 की रात में और 23 तारीख को सुबह से, पहले बोला गया कि हेलीकॉप्टर से किया जाएगा और उसके बाद बकायदा एक प्लेन की फोटो दिखाई गई जिससे वो स्प्रे होगा और तमाम जो कोरोना वायरस है वो भाग जाएगा। हमारे पास व्हाट्सएप पे ऐसे भी संदेश पहुंचे हैं जिनको ट्वीट भी किया
वैज्ञानिकों ने जिस पर बहुत गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया है कि ये घंटा घड़ियाल बजाने से, थाली बजाने से कोरोना वायरस भाग गया है, और इस बारे में नासा ने अपनी तस्वीरें जारी की हैं। ये सब मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूं क्योंकि बड़े पैमाने पर इस देश की जनता में यह अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि कोरोना वायरस से इस तरह से लड़ा जा सकता है। अगर हम और आप इस दुष्प्रचार को रोकेंगे नहीं तो शायद मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोरोना वायरस से पीड़ित होने वालों का आंकड़ा लाखों में हो जाएगा, जैसा कि बाकी देशों में हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर जब इस तरह का दुष्प्रचार या अफवाहें चलाई जा रही हैं तो जो हमारा सरकारी तंत्र है इसे तुरंत खारिज क्यों नहीं कर रहा? जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बेलगाम प्रचार चल रहा है, टीवी चैनल पर इस तरह के बाबा और खास तौर से बाबा रामदेव के बारे में जिस तरह से बातें हो रही हैं कि उन्होंने दवा निकाल ली है और उस दवा से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये सारा जो भ्रम है जिसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ है, जो 5 बजे जिस तरह से थाली बजानी थी और शंख बजाने थे उसके प्रचार के बारे में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ था बताने के लिए कि सिर्फ इतना ही कर लेने से कोरोना भाग जाएगा, और आप देखेंगे कि इस तरह के वीडियोज हैं जहां पे कोरोना गो गो करके लोग नाच रहे हैं। ये जो अंधविश्वास है यह जानलेवा अंधविश्वास है, इसे तुरंत रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन अभी तक दुख इस बात का है कि सरकारी मशीनरी कहीं से भी कोई पब्लिक अनाउंसमेंट इन अंधविश्वासों को रोकने के लिए नहीं कर रही है। अगर यह तुरंत नहीं किया गया तो यह जो अंधविश्वास की फैक्ट्री है ये लाखों लोगों की जान के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अंत में एक जरूरी बात, कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जाना चाहिए, यह सिर्फ सरकार ही के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, हमें और आपको बतौर भारतीय नागरिक इसमें एक सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी। हमें अपनी सरकार से मांग करनी होगी कि इससे लड़ाई के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज अनाउंस करे तुरंत। जब हम इस देश में बात कर रहे हैं तो बतौर भारतीय नागरिक हमारा दायित्व है कि बड़े पैमाने पर न सिर्फ वे लोग बचें जिनके बारे में सरकारों को दिखाई देता है, बल्कि तमाम भारतीय नागरिकों के लिए एक समान रवैया हो। देश को बचाना है तो देश को चलाने वाले, मेहनत करने वालों को बचाने के बारे में सबसे पहले सोचना हमारा और आपका दायित्व है। सिर्फ थाली पीटने और शंख बजाने से कुछ नहीं होगा। यह बात जितनी जल्दी हम, आप और यह सरकार समझ जाए शायद उतना ही आसान होगा भारत को कोरोना की इस सुनामी से बचाने के लिए। शुक्रिया। Thank you.